गाबा जी बताइए, तेजी या मंदी? तेजी, बिल्कुल तेजी। और स्टॉक का नाम है सीमेंस, ट्रेड कर रहा है 6896 पर। मेरे ख्याल से एक अपमूव मिलना चाहिए, ब्रेकआउट मिला है आज। स्टॉप मिले, स्टॉप लगेगा 6850 का, टारगेट में अपसाइड करीब 7000 के। 7000 की तरफ, ओके। तो ये फिलहाल सीमेंस पर एक बाय साइड का ट्रेड सुबह से, इनफैक्ट कल दोपहर से इसकी चर्चा हो रही है। ध्यान रखिएगा आज नतीजे आएंगे, स्टॉक नियरली 2% ऊपर है उससे पहले। मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड है ओरेकल फाइनेंशियल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस आपको 10400 का लगाना है, लेकिन टारगेट आप 11000 तक के सेट कर सकते हैं। ओरेकल फाइनेंशियल के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। ओरेकल फाइनेंशियल 10570 पे कैरी करने की राय दे रहे हैं मंडे मॉर्निंग के लिए। रचना जी आपका ट्रेड? जी मेरा ट्रेड रिलायंस में रहेगा। रिलायंस के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे एंड 2925 पे एसएल लगाएंगे, तो अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 2980 एंड 2990। ओके, ये रचना जी का ट्रेड है। कविता जी आपके कैरी करेंगे? So, विरेन जी इंडियन बैंक को लेकर जाएंगे, एज ऑफ नाउ 578 के लेवल पर है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एक फ्लैग का ब्रेकआउट लग रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 569 का फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 590.95। तो ये इंडियन बैंक में एक ट्रेड। राजेश सातपुते जी आपका ट्रेड? चलो जी देखिए मैं पॉलीकॉर्प को लेकर जाऊंगा, हालांकि आज थोड़ा सा आप कह सकते हैं सुस्त है, ठंडा है, कल भी ठंडा था, लेकिन इसका जो प्लेसमेंट है मुझे वो बेहतरीन लगता है। 10-20 डीएमए के ऊपर होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, और ये काउंटर ऐसा है कि इसमें जब ये ठंडा रहता है तभी इसमें एंट्री करनी पड़ती है। तो लेट्स सी, पर पॉलीकैप मुझे अच्छा लगता है चार्ट पे। 6620 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसका जो टारगेट दिखता है वो करीबन है 6900 का, 6900-920 तक का जाएगा। ओके, ट्रेड्स पूरे हो गए, अब आइए इंडस्ट्रीज पे आते हैं। देखिए आज डे ट्रेडर को शायद एक शुरुआत में शॉर्ट का स्विंग मिला हो, लेकिन उसके बाद मोर और लेस बाजार इस 24363 की रेंज में स्टेबल रहा। एक कोलैप्स इनिशियली था, उसके बाद आई थिंक आप कह सकते हैं कि हमने ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया कल के दो बड़े कॉल आइटर्स के ऊपर। वो क्या थे? 24200-300, हमने उनके ऊपर आज ये क्लोज दिया। हम अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एक बार ऑप्शन स्टैट्स को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जब हमने 2 बजे स्टैट्स देखे थे तो यहाँ पे कितने कॉल थे? 30 लाख इंट्राडे में जुड़े थे। अब आउटस्टैंडिंग वाई है करीब करीब 43,26,000 का, और वहीं अगर आप इस पुट को देखें तो यहाँ पे करीब 28 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। पशोपेश डिलेमा, दो एवरेजेस 10-20 का रेजिस्टेंस और 24500 का कॉलाइटर, ये तीन चीज़ें जो है ना वो अगले 125 पॉइंट्स के लिए काफ़ी भारी है। अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल रहना चाहते हैं तो मेरे मानिए कोई ट्रेड मत कैरी करिए, क्योंकि अगर मंडे मॉर्निंग को हम अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 24500 के ऊपर भी खुल गए तो भी हमें थोड़ा सा रिट्रेस होके 20 डेमा को एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर फिर आई थिंक अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। मेरे को इस प्राइस पे कैरी करने के लिए रिवॉर्ड नज़र नहीं आ रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग। तीन चीज़ें हैं जो मेरे जहन में भाग चल रही हैं इस वक्त, 10-20 का सप्लाई और 24400 का इटसेल्फ और 24500 का, दो क्वालिटर्स, ये अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करते हैं। तो चार पॉइंट्स आपको इस बात को आई थिंक कह रहे हैं कि अभी कैरी मत कीजिए, लॉन्ग मत कैरी करिए। और एक